हाय एवरीवन, आप लोगों का एक क्वेश्चन है। आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों ने टेलीग्राम पे मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैम हम लोग कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, हमें गेट बीटी या गेट एक्सेल, ठीक है, या फिर दोनों, है ना, क्योंकि वो ऑप्शन भी आई एम श्योर आप लोगों के पास होता है। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक सी बात बताऊँगी, डिपेंडिंग अपॉन वॉट इज़ द क्राइटेरिया, वॉट इज़ द एग्ज़ाम ऑल अबाउट, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनके कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो आप अगर देखेंगे पेपर का पैटर्न वगैरह है, हालांकि मैंने इसके लिए एकदम डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाया है और एक और वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको MSQ या MCQ और NAT इनके डिफरेंसेस बताए हैं। ये सब चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग बस नाम से फाइंड कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं गेट का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जहां पे मैं गेट के जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है गेट से रिलेटेड, या फिर जो मैंने गेट से रिलेटेड आप लोगों को स्पेशल चीज़ें बताई हैं, उसके पेपर का पैटर्न सब कुछ के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे कि CBT मोड होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो टोटल 29 पेपर्स हमारे पास लाइक सब्जेक्ट हैं टोटल यहाँ पे। सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड है और कैंडिडेट ने जो भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है वो है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 10 GA में प्लस 55 सब्जेक्ट, मतलब टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अगर इन पेपर की हम बात करें, मतलब कि जिसमें हमारा आ जाता है आपका एक्सेल लाइफ साइंसेज वाला पेपर, तो वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड होगा आपका 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाएगी 13 मार्क्स की, प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे 72 मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बाकी के पेपर्स के बारे में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये एक्सेप्ट एक्सेल था, मतलब ये BT के बारे में हो गया। और एक्सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट क्वेश्चन 85 मार्क्स के डायरेक्टली, टोटल 100 मार्क्स। मार्किंग स्कीम एक नंबर का सवाल होते हैं और दो नंबर के सवाल होते हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूँ तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, जो आप अगर आप MCQ में चूज़ करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर 1 मार्क MCQ 1/3 विल बी डिडक्टेड एंड फॉर 2 मार्क MCQ 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि MSQ और NAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं BT सब्जेक्ट के बारे में बात करती हूँ, जो कि सबसे पहले इस कोड में यहाँ पे मेंशन है इस जगह पे, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, सब्जेक्ट 85, टोटल मार्क्स 100, टोटल टाइम 3 घंटा। सिमिलरली XL की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे सेक्शन P होगा, मतलब केमिस्ट्री प्लस कोई भी दो सब्जेक्ट जो आप चूज़ करोगे, ठीक है, सो दैट विल बी अगेन 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड, 25 प्लस 2 × 30, 25 मार्क्स हो गया प्लस 2 × 30, मतलब कि दो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं वो, ठीक है, मतलब 25 मार्क्स किसके, केमिस्ट्री के, ये हो गया टोटल 100, यहाँ पे भी 3 घंटे का समय है। तो ये तो हो गया किस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं, सबसे पहले हम गेट BT का सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ओके, सबसे पहले हम लोग गेट BT के सिलेबस को देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक तो आएगा सेक्शन आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये पूरा सेक्शन आ जाता है जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व करना होगा। और सेक्शन 2 जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल बायोलॉजी का। जैसा कि मैंने बताया आपको, BT में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और सब्जेक्ट मार्क रहेगा डायरेक्टली, तो वही है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जनरल बायोलॉजी रहेगा जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री रहेगा आपका, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, है ना, माइक्रोबायोलॉजी आप यहाँ देख सकते हो, इम्यूनोलॉजी, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जेनेटिक्स, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, एक बार आप एक नज़र इसको देख सकते हैं। फिर आ जाएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब और इसके बाद में लास्ट आ जाएगा आपका एनिमल प्लांट एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड देन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो मुझे आपको ये बताना है, अगर आप इसके सिलेबस को देखोगे तो दैट इज़ वेरी कोर बायोटेक सिलेबस, ठीक है, जिसमें कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, जिसमें कि आप एकदम कोर चीज़ें पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि जो आपकी बायोप्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट हो गया फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये चीज़ें आप इन जनरल जो लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं इन जनरल, ठीक है।
मतलब इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वापस से आपका प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आप इन जनरल लाइफ साइंसेज में बहुत एक क्रक्स फॉर्मेट में पढ़ते हो, इतना डिटेल में चीज़ें आप वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीन सब्जेक्ट और इसके बाद में फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आप पढ़ते हैं, बट देन इसमें भी आप कंप्यूटेशनल टूल्स जो होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। अगर आप में से कोई सिर्फ एक फॉर्म भरना चाहता है और आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि आप लाइफ साइंसेज की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, हालांकि आपकी चॉइस है अल्टीमेटली, बट देन आई सजेस्ट ओनली, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस ऐसा लो ना, या तो तुम उसके पढ़ पाओ, या तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको पढ़ पाएँ और आप उसमें बहुत एक्सेल कर पाएँ और आप एग्ज़ाम क्लियर करें, बट अगर आप ऐसी ये वाली कंडीशन नहीं है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है, आप बहुत सारे अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें डिफरेंट सिलेबस है, इसका थोड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिलेबस है, तो अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो उस तरीके से, पढ़ पाओगे, आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर लोगे, गो फॉर इट, नो इश्यूज एट ऑल। बट इफ़ यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू डू, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट, मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर मैं लाइफ साइंसेज के सिलेबस के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री हो जाएगा, विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल एक्सेल कैंडिडेट्स। अब केमिस्ट्री तो आपको करना ही है, आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है लाइफ साइंसेज में। फिर आ जाता है आपको दो सेलेक्ट करने होते हैं बाकी के जो आपके पास ऑप्शन है उनमें से, एक हो जाता है बायोकेमिस्ट्री, ये वही बायोकेमिस्ट्री है जो कि आप पढ़ते हो अपने CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए। फिर आ जाता है बॉटनी, बॉटनी में कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सीड करेंगी, तो इफ़ यू आर लाइक समबडी हु हैज़ डन हिज और हर ग्रेजुएशन इन बॉटनी या पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, आप डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया ही है, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा आपका प्लांट डेवलप, यहाँ पे अगर आप बात, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन भी हैं, ठीक है, जो कि कॉमन भी हैं, तो इट्स नॉट कि सब कुछ नया ही है, एवरीथिंग इज़ न्यू ओनली, ठीक है, सब बहुत कुछ कॉमन भी है यहाँ पे, जैसे कि जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा प्लांट डेवलपमेंट, काफ़ी सारा एरिया है ना, ब्रीडिंग में कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी मोस्टली नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी बस, कि कौन से टाइप ऑफ ड्रग किस प्लांट से मिलता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्लांट पैथोलॉजी भी एक हद तक, मतलब कुछ जो आपके हार्मोन्स वगैरह हैं इनका रोल, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर आपकी जो आर प्रोटीन होती है, रेजिस्टेंस, पैथोजेनेसिस वगैरह। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट आप पढ़ते हो अपने CSIR के लिए, तो कॉमन। तो मेरा सजेशन बस ये है कि जो चीज़ें कॉमन है, कॉमन एरिया जिसमें ज़्यादा हो, उस सब्जेक्ट को चूज़ करो, ठीक है। हालांकि इसमें अगर पढ़ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई प्रोबेबली हैव चोजन बॉटनी फॉर माई सेल्फ, मुझे याद है जितना, तो मैंने बॉटनी चूज़ किया था बिकॉज आई हैड माई बैकग्राउंड, मतलब मेरे जो बैचलर्स था वो बॉटनी था, देन उसके बाद में मेरा जो मास्टर्स था दैट वाज आल्सो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं, मेरे लिए ये इजी था। तो बेस्ड अपॉन व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट आप इसको चूज़ करिए, ठीक है। आल्सो सी हाउ मच ऑफ ओवरलैपिंग दिस थिंग इज़ देयर, ठीक है, कितना परसेंटेज ओवरलैपिंग है। फिर आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा है, मैं आई सजेस्ट कि वही लोग चूज़ करें, बिकॉज कई बच्चे क्या सोचते हैं कि बहुत ईजी हो जाता है ऐसा, बट ईजी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने वो चीज़ को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने डेप्थ में कभी सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, आप कैसे ही उसके क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जूलॉजी, जूलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि इवोल्यूशन, जैसे कि एनिमल डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, उसके बाद में एनिमल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, तो यहाँ पे एक आध चीज़ों को छोड़ के सब कुछ कॉमन है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको जाना है तो गो फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी, बिकॉज बहुत सारा ओवरलैपिंग है, CSIR के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें दिखती हैं हम लोगों को। गो फॉर दिस जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला जो आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। फिर आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी अगेन जिन्होंने पढ़ाई की है फूड टेक्नोलॉजी की, सिर्फ वो सजेस्ट करो, मतलब सिर्फ उनको मैं सजेस्ट करूँगी, एडवाइस दूंगी कि भैया आप सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। अब अगर तो आप CSIR की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके लिए क्योंकि आपने बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, जूलॉजी में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ लाइफ साइंसेज में आती हैं, आप पढ़ रहे हो एक आध चीज़ को छोड़ के, बॉटनी भी ऑलमोस्ट आ जाती है, ठीक है, बाकी माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए हैं तो एक्सेल इज़ कंपैरेटिवली अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बायोटेक में काफ़ी स्पेसिफिक है, तो बायोटेक अगर आपको लेना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों फॉर्म भरने हैं, गो फॉर इट,
बिल्कुल चाहिए उसके लिए, ठीक है. बट आई सजेस्ट कि उस चीज़ को चूज़ करिए हमेशा जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव स्ट्रेंथ एरिया, मतलब आपको वो स्ट्रेंथ एरिया है, ठीक है. आपने अच्छे से पढ़ाई की है उसमें, आप अच्छा कर पाओगे उसमें, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओगे, एग्ज़ाम निकाल पाओगे, तो उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. सो दिस इज़ माई सजेशन. अब बाकी अप टू ऑल अप टू यू गाइज. और आपको पता होगा डेट्स वगैरह के बारे में, है ना, 24th of September तक आपका लास्ट डेट है उसको फिल करने का, तो उसको फिल कर दीजिए. फ्राइडे 1st October को एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड हो जाएगा. अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट आपका 17th March को होगा. एग्जामिनेशन डेट्स आपके सामने आप मैंशन डे फेब्रवरी में होगा, ठीक है. बाकी चीज़ें सब आपको पता है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है. सो ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. इसको फिल कर दीजिए इस फॉर्म को अकॉर्डिंगली अगर आप अभी तक नहीं किया है तो, और सब्जेक्ट का सिलेक्शन अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो. आई होप कि मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें आसान बनाई हो, बिकॉज दिस वॉज अ क्वेश्चन जो आप लोग काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे थे, मैम BT भरेगी एक्सेल भरे, BT भरेगी एक्सेल भरे. आई होप अभी आपको क्लियर हो कि क्या फिल करना है, ठीक है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से, और सब्सक्राइब करो चैनल को. टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय. और हाँ, अभी तक आपने क्विज, अगर अनुभूमि क्विज कॉन्टेस्ट अभी तक अभी आपने नहीं किया है, उसको नहीं दिया है, उसको नहीं अटेम्प्ट किया है, गो फॉर दैट. प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए, मैं रेगुलरली उसको कंडक्ट कराने वाली हूँ. आपके एग्जाम तक आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है. बाय एवरीवन.